कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में केस दर्ज हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार को कमीशन वाली सरकार बताया था। इस मामले में जहां इंदौर भोपाल के थाने में FIR दर्ज हो गई है, तो वहीं बता दें उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार को कमीशन वाली सरकार बताया था। इस मामले में जहां इंदौर भोपाल के थानों में FIR दर्ज हो गई है, तो वहीं अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने लिखा है पुलिस पक्षपात के आरोप से बचे। बता दें मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में भाजपा भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। बता दें इस ट्वीट के बाद राजनीति जगत में हलचल मच गई है। भाजपा के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले में इंदौर भोपाल सहित प्रदेश के कई थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। इस मामले में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने एक ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि डरो मत। जब कांग्रेस पार्टी के नेता अंग्रेजों की फांसियों से नहीं डरते, तो उनके तलवे चाटने वाली विचारधारा की FIR से भी नहीं डरने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। तनखा ने ट्विटर पर लिखा कि मप्र पुलिस पक्षपात के आरोप से बचे। पुलिस ने बिना तफ्तीश के प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव और अन्यों पर इंदौर और अन्य थानों में FIR दर्ज करके राजनीतिक पक्षपात का परिचय दिया है। भ्रष्ट पर कार्रवाई करिए, भ्रष्ट से लड़िए, सूत्रों से नहीं। जानकारी के अनुसार भोपाल में क्राइम ब्रांच और इंदौर के संयुक्तागंज थाने पर केस दर्ज हुआ है। भोपाल में भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी द्वारा क्राइम ब्रांच में आवेदन देकर FIR दर्ज करवाई गई। तो वहीं इंदौर में देर रात संयुक्तागंज थाने में धारा 420 469 के तहत FIR दर्ज की गई है।